Assalamualaikum guys, it's me Azeeb Khan and you're watching Haseen Informative Video. तो गाइज आज मैं आपको यूरोप की ना वेजिटेबल्स और जितने भी एशियाज के मैं आपके रेट्स बताऊंगा। ये देख रहे हैं जी ग्रीन पेपर जी 6.99 €। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रेट ये जो है ना ऑलमोस्ट खाली ग्रीन पेपर का जो बन रहा है वो 1200 रुपये के किलो बन रहे हैं। ये लेमन के रेट देखें जी, ज़रा ये ऑरेंज के रेट देखें, ज़रा 3 यूरो बन रहे हैं। और ये बनानास के रेट देखें जी, 2 यूरो बनाना। और ये जी प्याज के देखें, 1 यूरो 11 सेंट। अच्छा जी, ये आप ये पोटैटो को भी देख सकते हैं 3 यूरो। और ये जो ब्रेड्स वगैरह के रेट हैं 1 यूरो में मिल जाती है। ये मैंने बनाई है वैसे, ये हलाल नहीं, हम लोग नहीं खाते, तो ये भी चिकन वगैरह भी 4 यूरो ये वो मिल जाता है यहाँ पे 500 ग्राम। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स भी 2 यूरो 3 यूरो में कुछ ग्राम। ये आप देख रहे हैं जैसे कि हल्की पुल्की आइटम, ये कॉफ़ी ले लें 4 यूरो 5.99 सेंट। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो मैंने ग्रोसरी की है उसका क्या एक वीक की ग्रोसरी के कितने पैसे लगे हैं। तो मैं ग्रोसरी करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये चॉकलेट्स देख रहे हैं आप, चॉकलेट्स की भी प्राइस देख रहे हैं आप, ये सेल भी लगी हुई है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं टी कैमल टी, और ये जो आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं 6.75 सेंट का है, जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं 1400 बन रहे हैं, 1300-1400 रुपये बन रहे हैं ये देख रहे हैं जैसे, और वहाँ से मेरे ख्याल 300-400 का मिल जाता। और इंडिया में भी इतने ही रेट है, 150-150 का हेड एंड शोल्डर मिल जाता है। आपको आगे दिखाते हैं, मैं ग्रोसरी कंप्लीट करूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि तमाम ग्रोसरी के कितने पैसे बने हैं। और ये मैंने कुछ पिज़्ज़ा लिया है और छोटी मोटी आइटम्स लिए हैं, देख सकते हैं आप, जैसा कि चिप्स हो गए और छोटी मोटी आइटम्स लिए हैं। कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं ली जो आम ग्रोसरी में यूज़ होती हैं, ऑयल्स टिश्यूज़ और 2-3 वाटर की बॉटल्स हैं, जूस है। और चले हम चलते हैं काउंटर की तरफ, चीज़ें जैसा कि हम डाल रहे हैं हम लोग, और सारी चीज़ें हैं जूसेस वगैरह, ये पोटैटोज़ वगैरह। स्कैन होना स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें, देख सकते हैं ये कार्ड से मैं पे कर रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा है इसका, इस ग्रोसरी का ये तकरीबन 1 वीक की ग्रोसरी है ऑलमोस्ट 3 पर्सन की, और 2-3 पर्सन की ग्रोसरी है। और अच्छा जी ये बिल बना है 62 और 92 सेंट, सही है। और इसमें भी ये तकरीबन वीक का आप कह सकते हैं एस्टिमेटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि ये मैं लिटल में खड़ा हूँ, मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ। तो आपको बताया कि यहाँ पे जो है आज का मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस ग्रोसरी का क्या सीन होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार वहाँ पे वेजिटेबल कितने का है या फ्रूट्स कितने के हैं या ग्रोसरी कितने की है। अब मैं ऐसे गिनने लग जाऊँ तो एक एक चीज़ का तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो मैंने आपको शॉर्टली आपको ना मैंने आपका आइडिया एक माइंड सेट बना दिया है। जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं या जो जर्मनी में हैं और जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, जो आउट ऑफ कंट्री से हैं या जो प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। यूरोप में ऑब्वियसली पैसे तो हैं लेकिन महंगाई भी बहुत है, हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है, स्पेशली जर्मनी में। स्पेशली जर्मनी में वेजिटेबल्स के रेट्स बहुत आगे ऊपर जा रहे हैं, वेजिटेबल्स क्या हर चीज़ के रेट्स ऊपर जा रहे हैं यूक्रेन की वजह से। यूक्रेन पीपल्स यहाँ पे पर्सन आ गए हैं इस वजह से भी, और काफ़ी यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के भी, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी महंगाई इस वक्त ज़्यादा हो चुकी है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वर्ल्ड में पूरी महंगाई है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं आपको ये लोगो दिखा देता हूँ, मैं लिडल में खड़ा हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।